मुगल सराय में दबंगों ने नाबालिग किशोरी और परिवार के साथ की हैवानियत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं 24 न्यूज HD वादा सच का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगल सराय कोतवाली क्षेत्र के गांव में गुरुवार की शाम एक नाबालिग किशोरी और उसकी मां के साथ तीन युवकों ने अश्लील हरकत की। घटना के अनुसार किशोरी और उसकी मां लकड़ी लेने गई थी, तभी पड़ोसी गांव के दबंगों ने उन्हें अकेला पाकर उनके साथ अश्लील हरकत करते हुए जबरदस्ती झाड़ियों में खींचने की कोशिश की। किशोरी और उसकी मां द्वारा शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और आरोपियों की पिटाई कर दी। हालांकि इससे नाराज आरोपियों ने कुछ ही समय बाद अपने साथियों के साथ परिवार के घर पर हमला किया। इस हमले में महिलाओं सहित परिवार के अन्य सदस्यों को गंभीर रूप से घायल किया गया। परिजनों ने घटना की सूचना 112 पर दी और बाद में मुगल सराय कोतवाली में लिखी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने घायलों का मेडिकल मुआयना कराया और सात नामजद सहित दर्जनों अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस ने इस गंभीर मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। घटना से क्षेत्र में डर और सुरक्षा का माहौल बन गया है, जिससे स्थानीय समुदाय में चिंता का विषय उत्पन्न हो गया है। अपना नाम और पर्ची बताएं। ज्योति जी कहाँ की रहने वाली हैं? क्या मामला हुआ ज्योति जी? किस मामले को लेकर विवाद हुआ है? क्या मामला था पूरा? अंदर हम खारी में हमारे लग गया घुस गया है तो आम दिवन बोए लगा तो हम यान पंगा मजला सब के दंश बिलाउज फाड़ दिला सब मारती। कौन फाड़ा है? उसका नाम क्या है? सोनू। और ये घटना कब की है? घटना उस समय 5:30 बजे हाँ आम चिराए लगा तो हमारी बच्ची आई घर तब बच्ची आए आपके साथ कितने लोगों को चोटें लगी हैं? अब आप थाने पर ही क्या गुहार लगाना चाहती हैं? हमारे बच्चों को देखे मारे हम बच्चों को लेके रहे तो हमारे बच्चों को भी मारे छेड़खानी हमारे ब्लाउज फाड़ अपना नाम और पर्ची बताओ। कहाँ के रहने वाले जितेंद्र जी? क्या मामला था? सर लकड़ी के चक्कर में ये सब वहाँ पे मतलब गिट्टी बालू गिरा रहे थे साथ में भी चाची के साथ सब उल्टा सीधा बोल रहे थे। चाची को उल्टा बोले दीदी को उल्टा बोले इसी लोग कुछ बोली उसी लोग पता चाची का लकड़ी चाप के लगा मारने फिर दीदी उदी छोड़ाने गई हमारी बहन और उन सबको अथवा गलत अथवा हाथ लगा दिया छाती उठी पर लगा कर ढकेली कर दिया एकदम कपड़ा वपड़ा धर के घीच दिया दुपट्टा घींच के सब फेंक दिए सब। हम लोग दूर से सुने क्या हुआ अरे झगड़ा हुआ घर छोड़ाने के लिए और हम लोग को सिर्फ मारने लगे तब हम लोग भी अपने बचाव में सबसे हथा भाई हुआ सब लकड़ी काट रहे थे हम लोग का सब औजार छीन के सब मार दिए कटा गया है सर। और फिर उसके बाद सब भाग जब हम लोग कुछ लोग को इकट्ठा किए। किससे विवाद हुआ है आपका? सोनू सोनकर है गुलाब का लड़का सोनकर का लड़का और एक है। आप कितने लोग घायल हैं? हम लोग सर 4-5 6 लोग घायल हैं। अभी को सब लोटा करके बड़ी मार मारे हैं। अभी आप लोग थाने पे हैं क्या चाहते हैं? थाने पे आए हैं सर हम लोग पूरी तरह से कार्रवाई चाह रहे हैं कि प्रशासन पूरी कार्रवाई करे सबको ताकि बड़ी लोगों को सब मार चुके हैं टेहरा मोड़ पे तक और कुछ पहले भी मारे थे घर में घुस गए थे आज भी सब घर में घुस के अधा पत्थर पूरा चलाने लगे सब और कट्टा लेकर आए थे और चेन लेकर आए थे सब घुस करके एकदम नहीं पाए तो धड़ाधड़ हम लोग अपने बचाव के लिए घर में घुस के दरवाजा बंद करिए तो सब पथराव लगे करने बहुत तेज से धड़ाधड़। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 24 न्यूज HD वादा सच का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमारी खबर को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।